हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज मैं बात करने वाला हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म बैड बॉय के बारे में। बैड बॉय रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैशी की फिल्म बैड बॉय आज 28 अप्रैल को थिएटर में दस्तक दे चुकी है। फिल्म से दोनों कलाकार डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में मिथुन के छोटे बेटे से उनके फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये फिल्म लव स्टोरी है। बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में देने वाले राजकुमार संतोषी इस बार क्या खास लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं। कहानी की बात करें तो फिल्म में एक बैड बॉय को गुड गर्ल से प्यार हो जाता है और वो बैड बॉय बेपरवाह लड़का कोई और नहीं बल्कि रघु यानी कि नमाशी चक्रवर्ती ही है, जिसे एक पढ़ी लिखी लड़की रितु परना यानी कि फिल्म की हीरोइन अमरीन कुरैशी से प्यार होता है और रघु दिल जीतने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन लड़की के माता पिता बहुत सख्त होते हैं और उन्हें उनके प्यार के बीच कई मुश्किलें पैदा कर देते हैं, लेकिन रघु और रितु हार नहीं मानते। इसके बाद उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। अंत में नमाशी और अमरीन अपने प्यार को पाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। एक्टिंग की बात करें तो नमाशी चक्रवर्ती ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया है। नमाशी चक्रवर्ती काफ़ी एनर्जेटिक कलाकार हैं। उन्होंने अपने डांस और एक्शन से अपने एनर्जी का भरपूर परिचय दिया है। उन्होंने शानदार एक्टिंग की है। एक इंटरव्यू के दौरान नमाशी ये बता चुके हैं उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दिए हैं, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। ऐसे में मिथुन जैसे एक्टर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी एक्टिंग क्राफ्ट पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत थी और नमाशी ने इस किरदार के लिए जमकर मेहनत भी की है। जो कमी दिखी भी है उसे इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि इनकी पहली फिल्म है। हो सकता है एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में भी धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट आए। एंग्री पिता के रूप में शाश्वत चटर्जी यानी कि रितु के पिता का काम कमाल कर रहा है। पोल्टू का किरदार निभाने वाले जॉनी लीवर ने फिल्म के सेकेंड हाफ को भरपूर तरीके से संभाला है। उनकी कॉमेडी और अतरंगी फेशियल एक्सप्रेशन आज भी गुदगुदाते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो राजकुमार संतोषी ने कलाकारों से बेहतरीन काम लेते हुए अच्छा निर्देशन किया है। वे एक अनुभवी निर्देशक हैं जो सामाजिक मुद्दों, कॉमेडी और एक्शन जॉनर में पहले से भी अपनी सफलता का परिचय दे चुके हैं। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। फिल्म के गाने तो पहले से हिट हो चुके हैं। सोनिया कपूर ने फिल्म के गाने लिखे हैं जो ऑडियंस पर काफ़ी जादू चला रहे हैं। खासकर जनाबे अली, तेरा हुआ और इंस्टा विच स्टोरी पहले से ही धूम मचा रहे हैं। डायलॉग्स की बात करूं या स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म के डायलॉग्स राजकुमार संतोषी और रंजीत कपूर ने लिखे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिल्म देखने के दौरान 90s की फिल्मों की यादें ताज़ा हो जाती है। एक गाने में जब मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है, वहाँ पिता और बेटे को साथ में डांस करता देखकर अच्छा लगता है। ऑडियंस काफ़ी इंजॉय करती है। फिल्म के डायलॉग्स पर मेहनत दिखती है। राइटर संजीव के द्वारा लिखी गई वन लाइनर डायलॉग्स आपको काफ़ी गुदगुदाएंगे। अब बात आती है क्यों देखें। तो भाई, एक साफ सुथरी फैमिली फिल्म है जिसमें कॉमेडी का तड़का लगा है। भले ही कहानी बोरिंग हो, लेकिन डायलॉग्स और कॉमेडी का भरपूर ख्याल रखा गया। फिल्म को एक मौका दिया जा सकता है। मिथुन के बेटे ने डेब्यू किया है तो उनके फैंस को भी फिल्म देखनी चाहिए। 90s के स्टाइल में बनी यह फिल्म आपको स्लाइस ऑफ लाइफ की फील देती है। द फिल्मी चर्चा की तरफ से फिल्म को फिर भी 3.5 स्टार तो बनता है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।